अभी आ जाऊं? हाँ, आ जाओ सुल्तान, आ गए तुम। भाभी खैरियत है? इस वक्त लेटी हुई हो? छोड़ो बस, तुम बताओ कब आए, कुछ खाया तुमने? हाँ, वो तबीयत ठीक नहीं लग रही है अभी तुम्हारी। अरे नहीं, ठीक हूं मैं, मेरी फिक्र ना करो, मुझे बस ऐसे ही रहने दो। क्या बात हुई है? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा? अरे सुल्तान, मैं क्या झगड़ा करूंगी किसी से? मैं झगड़ा करने वाली होती तो ये घर कब का बिखर गया होता, ये घर घर ना होता, सब लोग बिखर गए होते। अरे मैं झगड़ा करने वाली होती सुल्तान, तो इस पूरे घर की जिम्मेदारी अपने हाथ से तुम्हारी बीवी के हाथ पे ना रखती। मैंने क्या झगड़ा करना है किसी से? सोनिया, सोनिया, जी क्या हुआ है भाभी को? क्या हुआ है? अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक थी। क्या आप ये चालाकी का इल्जाम भी तो मुझ पे लगाओगी? अरे क्या कहने का मतलब है तुम्हारा कि मैं अभी तो ठीक थी और सुल्तान को देखकर बीमार बन गई हूं? भाभी, मेरा ये मतलब नहीं था। अरे छोड़ो सुल्तान, रहने दो ये बातें, दफा करो इन बातों को। तुम अभी आए हो, थके हुए हो गए, को खाना तो खा लो, आराम तो कर लो। जी खाना बिल्कुल तैयार है, मैं आपको बुलाने आने लगी थी। ठीक है, मैंने अपने घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें दे दी है, लेकिन इतना मेहमान तो ना करो ना, इतना हक तो मेरा भी इस घर पे रहने दो। हाँ, कि अपनी मर्जी से खा सकूं, अपनी मर्जी से आराम कर सकूं। सोनिया, एक बात दिमाग में डाल लो, ये घर भाभी का है, भाभी से है और भाभी का ही रहेगा। जानती हूँ, भाभी इस घर की बड़ी हैं और सबसे पहला हक इनका ही। आओ ना भाभी, खाना खाते हैं, खाना ठंडा हो। हाँ तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं ना भाभी, सब साथ खाएंगे ना, आओ।